हेलो गाइज वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ वेब डिजाइनिंग कोर्स हम लोग इस पार्ट में कवर करने वाले हैं कि हमारा जो डोमेन को होस्टिंग के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं ओके okay. तो हमारा ये जो डोमेन था हम लोगों ने जो बाय किया था ये डोमेन होस्टिंगर से ओके okay. अगर आपने अभी तक होस्टिंगर से डोमेन बाय नहीं की है जाके डोमेन बाय कर सकते हो और होस्टिंग भी बाई कर सकते हो ओके तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है जाके लिंक पर क्लिक करो और लिंक पर क्लिक करने के बाद अगर ये होस्टिंग और डोमेन खरीदो हो ना तो आपको स्पेशल कुछ चीज़ें मैं देने वाला हूँ जो कि प्लगइन्स और थीम वगैरह प्रीमियम थीम प्लगइन्स लाइफ टाइम एक्सेस के साथ ओके तो बेसिकली यहाँ पे हम हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में कवर किए थे हमारा जो ब्लॉगर के साथ डोमेन को कनेक्ट करे थे हम लोग ने बट इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्या होस्टिंग के साथ हमारा जो डोमेन को ऐड करेंगे ओके तो उसके लिए यहाँ पे एरा हमारा डोमेन ओके और मैं एक बात बता दूँ जब भी हम आप लोगों ने मतलब खरीदोगी होस्टिंग खरीदोगी तो आपको एक ईमेल आ जाएगी ओके उसी ईमेल के अंदर आपको नेम सर्वर सी पैनल सारी की सारी चीज़ें उसी ईमेल के अंदर होगा ओके तो सिंपल चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा तो जैसे यहाँ पे उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी जो ईमेल के अंदर आपको आपकी आईडी पासवर्ड मतलब सी पैनल की आईडी और पासवर्ड मिल जाएगी ओके नेम सर्वर मिल जाएगी और जो भी रिक्वायरमेंट होगा वह सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर होगा ओके होस्टिंग खरीदने के बाद आपको जो मिल जाएगी आईडी और पासवर्ड ये सी पिन की ओके तो आप सी पिन के अंदर जाओ और सी पिन में आपकी जो आईडी और पासवर्ड ऐड करो और जैसे ही ऐड करोगी तो आपको एक ऐसी इस, इसी तरह की एक इंटरफेस मिलेगी ओके देखो आपको एक इस तरह की एक इंटरफेस मिलने वाला है ओके तो बेसिकली मे मेरा जो साइट के अंदर मेरी वर्डप्रेस के अंदर ओके मैंने ऑलरेडी चार मेरी जो वेबसाइट होस्ट करके रखा हुआ हूँ मैं यहाँ पे दो तरह की चीज़ यहाँ पे सिखाऊंगा जो कि अगर आप नई मतलब डोमेन को ऐड करना चाहो तो वेरी इजीली ऐड कर सकते हो वो कैसे ऐड करते हैं अगर आप मल्टीपल डोमेन को ऐड करना चाहो तो वो कैसे कर सकते हो ओके तो बेसिकली मैं यहाँ पे बता दूँ अगर आप नया जो डोमेन होगा अगर ऐड करना चाहो तो सिंपल इस तरह की इंटरफेस आने के बाद आप सी पनल के अंदर लॉग इन होने के बाद यहाँ पे नीचे आओगी तो एक वर्ड प्रेस की ऑप्शन मिलेगी और जैसे ही वर्ड प्रेस के अंदर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल नाव के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंस्टॉल नाव तो जैसे ही आप इंस्टॉल नाव के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आपकी सारी की सारी चीज़ें फ़िल करना पड़ेगा और फिल करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल नाव के ऊपर क्लिक कर देना पड़ेगा ये सिंपल चीज़ है अगर आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हो आपकी वर्ड के अंदर ये जो डोमेन कनेक्ट कर रहे हो ओके अगर आप मल्टीपल डोमेन ऐड करोगी तो वो कैसा है? इसके लिए यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा एडन डोमेन के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाएगी एडन डोमेन ये सभी सी पी के अंदर आपको मिल जाएगी तो जैसे ही एडन डोमेन के ऊपर आप क्लिक करोगी यहाँ पे आपको आपकी डोमेन ऐड करना पड़ेगा जो कि यहाँ पे हमारा जो डोमेन था सिक्योर डॉट एक्स वाई जेड ओके मैं यहाँ पे ऐड करा और यहाँ पे ऐड डोमेन के ऊपर मैंने क्लिक करा ओके okay, तो जैसे ही क्लिक कराए यहाँ पे देखो एड डोमेन सिक्योर पासवर्ड हैज़ बिन क्रिएटेड ओके उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से इस सी पैनल के अंदर आ जाना पड़ेगा ओके okay, आ जाने के बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा जैसे स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे वार्ड प्रेस की ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगी इसी वार्ड प्रेस के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करो सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल की बटन आ जाएगी ओके okay, आपको सिंपल इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा ओके okay, और यहाँ पे आपको जो है ना आपकी डोमेन यहाँ पे जो सिलेक्ट करना पड़ेगा ओके तो यहाँ पे हमारा जो डोमेन है सिक्योर पासवर्ड डॉट एक्स वाई जेड मैंने सिलेक्ट करा और यहाँ पे ये यह जो डब्ल्यू पी को यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा ओके और यहाँ पे यहाँ पे आपकी जो साइट की नेम है जो है ना डॉट एक्स वाई जेड मैंने ऐड करा साइट की नेम ओनली रखते हैं सिक्योर पासवर्ड ओके okay. और माइ ब्लॉग यहाँ पे रखते हैं ओके okay. उसके बाद यहाँ पे आपको यूजर नेम ओके okay. और इसके जो पासवर्ड यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा तो यूजर नेम यूजर नेम आप जो भी रखना चाहो यहाँ पे रख सकते हो ये मैंने रख लिया और यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे मैं ऐड कर दिया ओके okay. जैसे ही मैंने पासवर्ड ऐड किया आपको और भी और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे आपको एक थीम सिलेक्ट करना पड़ेगा ओके यहाँ से आपको एक थीम सिलेक्ट करना पड़ेगा ओके और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा जैसे ही इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह की आपको एक इंटरफेस मिल जाएगी ओके तो अभी अगर आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको कुछ एरर यहाँ पे आ रहा है ओके तो उसके लिए हाँ, आप लोग को क्या करना पड़ेगा सिंपल जाना पड़ेगा होस्टिंग घर के अंदर यहाँ पे आपको मैनेज के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा जैसे ही मैनेज के ऊपर आप क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे ये यह देख सकते हो आप यहाँ पे आपको नेम सर्वर यहाँ पे लिख कर आ जाएगा ओके देख रहे हो ना नेम सर्वर तो यहाँ पे आपको सिंपल ये चीज करना पड़ेगा ये जो दो नेम सर्वर है इस नेम सर्वर को आपको डिलीट करना पड़ेगा ओके ये दो नेम सर्वर को आपको डिलीट करना पड़ेगा आपकी जो ईमेल के अंदर आया होगा होस्टिंगर से जो नेम सर्वर यहाँ पे आपको डाल देना पड़ेगा ओके जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो मैं दो नेम सर्वर यहाँ पे ऐड करा जो कि मेरी ईमेल आईडी के अंदर आया था होस्टिंग खरीदने के बाद आपको एक ईमेल आएगी और उस ईमेल के अंदर ये जो नेम सर्वर हो गया वो आईडी पासवर्ड सारी, सारी की सारी चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की होगी तो वो उसके अंदर यहाँ पे नेम सर्वर को आपको लाना है और यहाँ पे ऑफ के ऊपर क्लिक करना है ओके तो जैसे ही आप ऑफ के ऊपर क्लिक करते हो तो जैसे ही यहाँ पे आप नेम सर्वर चेंज करोगे तो ये कुछ टाइम लेगा ओके कुछ टाइम लेगा जो कि आपकी जो नेम सर्वर को चेंज करने के लिए ओके यहाँ पे देखो नेम सर्वर अपडेटेड लिख कर आ रहा है ओके यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो तो कुछ टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली आपकी जो साइट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी ओके जो कि अभी हमारी जो साइट है ना अभी आपको देखने को नहीं मिलेगी तो कुछ टाइम के बाद मतलब ट्वेंटी फोर आवर हो सकता है या पंद्रह टू बीस मिनट के अंदर ये सारी की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी ओके तो इस तरह आप आपकी जो होस्टिंग को डोमेन के साथ कनेक्ट कर सकते हो तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम हमारे जो साइट को कैसे कस्टमाइज़ करेंगे तो प्रॉपर वे में हमारे जो साइट को कैसे कस्टमाइज करेंगे और कस्टमाइज करके कोई भी एक साइट बना, मतलब ब्लोग, बना सकते हैं हम लोग ओके मतलब ई कॉमर्स साइट हो कोई ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग साइट हो जो भी साइट चाहे हम लोग बना सकते हैं वेरी इजीली ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा 拜拜。Bye bye.